वेलकम बैक माई डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? सो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. आज हम अब अपनी साइंस की बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ आवर बुक इज साइंस पार्क क्लास 1 बाय ब्रेन रूट सीरीज. और हमारे चैप्टर का नाम है फूड्स एंड होम्स ऑफ एनिमल्स. अब हम जानवरों के खाने और उनके घर के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? फूड ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के खाने और घर के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी हैव टू डू वार्म अप. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करनी है? एक वार्म अप एक्सरसाइज. मिली इज हंग्री. ये मिली है और ये क्या है? बहुत हंग्री, भूखी है. ड्रॉ अ लाइन टू टेक हर टू व्हाट शी नीड. वो भूखी है. यहाँ पे दो चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारे खिलौने और खाने की प्लेट. तो आपको मिली को वहाँ तक ले जाना है जो चीज़ उसको चाहिए. भूखी है तो उसे क्या चाहिए? मिली को चाहिए खाना. तो मिली को हम कहाँ ले गए? खाने की तरफ ले गए. नेक्स्ट, शीलू इज स्लीपी. शीलू को नींद आ रही है. ये रही प्यारी सी शीलू. वेयर शुड शी गो? जब उसे नींद आ रही है वो कहाँ जाएगी? आपको बताना है वो पार्क में जाएगी या बेडरूम में. तो ये वाली वार्म अप एक्सरसाइज आप खुद करेंगे. जस्ट लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड फूड वाटर एंड शेल्टर और अ होम टू लिव इन. हमारी तरह जानवरों को भी खाना, पानी और घर चाहिए. किसके लिए? घर चाहिए रहने के लिए और जीने के लिए, बढ़ने के लिए उन्हें भोजन और पानी चाहिए. दे नीड फूड टू बी स्ट्रांग एंड शेल्टर कीप देम सेफ. खाना उन्हें बढ़ने, मजबूत रहने के लिए चाहिए और घर किस लिए चाहिए? ताकि वो अपने घर में सुरक्षित रह सके. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड ऑफ एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स क्या खाते हैं. सभी एनिमल्स एक जैसा खाना नहीं खाते, सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. तो अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का क्या खाते हैं? खाना खाते हैं. सम एनिमल्स ईट ग्रेन्स एंड नट्स. कुछ एनिमल्स दाने खाते हैं और नट्स खाते हैं. दे आर कॉल्ड ग्रेन ईटर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रेन ईटर्स कहते हैं. हैन, स्पैरो और स्क्वायरल, ये नट और ग्रेन खाते हैं, अनाज के दाने खाते हैं. तो इन्हें हम ग्रेन ईटर्स कहते हैं. सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स. दे आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटर्स. इंसेक्ट ईटर्स कौन होते हैं? वो जानवर जो कीट पतंगे खाते हैं. जैसे स्पाइडर, मतलब क्या कहते हैं स्पाइडर? हम किसे कहते हैं स्पाइडर? हम मकड़ी को कहते हैं. मकड़ी, छिपकली और फ्रॉग, ये सब क्या खाते हैं? कीट पतंगे खाते हैं. इसलिए हम इन्हें इंसेक्ट ईटर्स कहते हैं. सम एनिमल्स हंट स्मॉलर एनिमल एंड ईट देयर फ्लैश. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर. वो जानवर जो अपने से छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं, उन्हें हम फ्लैश ईटर कहते हैं. टाइगर, ईगल और शार्क, ये सब क्या करते हैं? अपने से छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लैश ईटर्स कहते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? प्लांट ईटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस. जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं. फ्लैश ईटर्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. और जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी जानवर. Frogs and lizards have a long and sticky tongue to catch insects.
छिपकली और मेंढक की क्या होती है? बहुत लंबी टंग होती है, लंबी और स्टिकी, जिससे वो क्या करते हैं, कीट पतंगों को पकड़ते हैं। अ स्पाइडर ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट इन इट्स वेब, और स्पाइडर अपने जाले में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप पकड़ लेता है और क्या करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स फ्लैश एज फूड। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब शाकाहारी भी हैं वो, मांसाहारी भी हैं। क्रो ईट्स चपाती एंड वॉर्म्स, कौवा क्या खाता है, रोटी भी खाता है और कीड़े भी खाता है। डॉग ईट्स बोन्स एंड बिस्किट, डॉग क्या करता है, हड्डी भी खाता है और बिस्किट भी खाता है। डॉग ऑल्सो ड्रिंक मिल्क, बियर ईट्स हनी एंड फिश, और डॉग क्या पीता है, दूध भी पीता है। बियर, बियर मतलब भालू, भालू क्या खाता है, भालू शहद खाता है और मछली खाता है। तो आपने देखा कि जो जानवर हैं कौन कौन से, डॉग, क्रो और बियर, ये प्लांट ईटर भी हैं और फ्लैश ईटर भी हैं। नाउ टेस्ट योर स्किल, तो चलिए अब आप देखते हैं आपने कितना पढ़ा। गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं कौन कौन से, फ्लैश ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल, ग्रेन ईटिंग एनिमल और इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। आपको इनके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल कौन कौन से होते हैं, लायन और टाइगर, TIGER, ये क्या है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब आपको बताना है प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं, काओ और गोट, GOAT। नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल लर्न शेल्टर ऑफ एनिमल्स, अब हम एनिमल्स के घर के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स को घर क्यों चाहिए, ताकि वो उसमें सुरक्षित रह सके, आंधी तूफान बारिश सर्दी गर्मी से बच सके। एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर यंग वन फ्रॉम रेन हीट कोल्ड एंड एनिमल्स। जानवरों को घर किस लिए चाहिए, ताकि वो खुद बच सके और अपने बच्चों को बचा सके, किससे, आंधी तूफान सर्दी गर्मी और दुश्मनों से। एनिमल्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स, एनिमल्स भी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं और उन्हें बनाते हैं। सभी जानवर एक जैसे घर में नहीं रह सकते बच्चों, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं। एनिमल्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर, अ शेल्टर कीप्स एन एनिमल सेफ फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड एनिमीज। तो अभी मैंने आपको बताया जानवर घर किस लिए बनाते हैं, आंधी तूफान बारिश और दुश्मनों से बचने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको शेल्टर्स बताऊंगी किसके, डोमेस्टिक एनिमल्स के। मैन मेक्स होम फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, इंसान घर बनाता है किसके, डोमेस्टिक एनिमल्स के। अ काउ लिव्स इन अ शेड, काउ कहाँ रहती है, शेड में रहती है। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, डॉग कहाँ रहता है, कैनल में रहता है। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, हॉर्स कहाँ रहता है, अस्तबल में, जिसे हम स्टेबल कहते हैं। अ हैन लिव्स इन अ कूप, हैन कहाँ रहती है, कूप में। तो आपने देखा सभी एनिमल्स के शेल्टर्स क्या हैं, अलग अलग तरह के हैं, एक जैसे नहीं हैं। नाउ वी विल लर्न शेल्टर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब हम जंगली जानवरों के घर के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड एनिमल्स मेक देयर ओन शेल्टर और लिव इन अ नेचुरल शेल्टर, जंगली जानवर अपना घर खुद बनाते हैं या फिर वो नेचुरल प्रकृति द्वारा बने हुए घरों में रहते हैं। अ बर्ड मेक नेस्ट, चिड़िया क्या बनाती है, घोंसला बनाती है अपने रहने के लिए। अ रैबिट डिग्स अ बरो, रैबिट क्या करता है, गड्ढा खोदता है अपने रहने के लिए,
जिसे हम बुरो कहते हैं। अ मंकी लिव्स ऑन अ ट्री। मंकी कहाँ रहता है? पेड़ों पर रहता है। देखिए वो अपना घर नहीं बनाता, वो नेचुरल शेल्टर में रहता है। अ स्नेक लिव्स इन अ होल। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। बहुत डर लगता है सांप से मुझे तो, क्योंकि वो क्या करता है, काट लेता है, बहुत जहरीला जानवर है। अ लायन लिव्स इन अ डेन। लायन कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। तो आपने देखा सभी जानवरों के घर क्या हैं, अलग अलग तरह के हैं। अगर आप शेर को बोलो बिल में रह लो, शेर रह लेगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा है और वो नेचुरल शेल्टर में रहता है। अगर आप रैबिट को कहेंगे नेस्ट में रह लो, रैबिट रह लेगा? नहीं रहेगा। नाउ वी विल गो इन फ्लैशबैक। एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। एनिमल को क्या चाहिए? खाना चाहिए जीने और बढ़ने के लिए। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में और घर की तलाश में। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। अब हमने अपना लेसन पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। अ टाइगर इज अ, टाइगर क्या है? प्लांट ईटर, इंसेक्ट ईटर, फ्लैश ईटर या फ्रूट ईटर। टाइगर, टाइगर मतलब चीता। चीता क्या है? फ्लैश ईटर, वो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाता है। अ मॉस्किटो सक, मॉस्किटो मतलब मच्छर क्या सक करता है, क्या चूसता है? वाटर, फ्रूट जूस, ब्लड और कोल्ड ड्रिंक। मॉस्किटो हमारा ब्लड पीता है, हमारा खून पीता है। आपको पता है बच्चों, अगर मच्छर काटते हैं तो क्या होता है, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमें अपने घर को और अपनी आसपास की जगहों को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। अ रैट लिव्स इन अ, रैट कहाँ रहता है, चूहा कहाँ रहता है? बुरो में, डेन में, हिल में या स्टेबल में। तो चूहा भी बुरो में रहता है, मतलब जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें रहता है। अ हॉर्स शेल्टर इज कॉल्ड, घोड़े के घर को कहते हैं। स्टेबल, डेन, शेड या कैनल। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टेबल। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सही वर्ड को चुनना है और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। नंबर वन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड रैश टू लिव एंड ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए और बढ़ने के लिए चाहिए। ग्रेन ईटर, रैबिट, फूड या शेड। तो करेक्ट ऑप्शन है फूड। तो हम यहाँ लिखेंगे फूड, FOOD, फूड। नंबर टू, डैश ईट ग्रेन्स एंड नट। ग्रेन्स और नट कौन खाता है? ग्रेन ईटर। तो नंबर टू पे हम लिखेंगे ग्रेन ईटर, GRAIN, ग्रेन ईटर्स, EATERS, ईटर्स। नंबर थ्री, अ काउ लिव्स इन अ, काउ कहाँ रहती है, शेड में या फिर रैबिट। सही चीज़ क्या है? शेड, SHED, शेड। अ डैश डिग्स अ बुरो, कौन अपने लिए बुरो, मतलब अपना घर बनाता है, किसके घर को हम बुरो कहते हैं? द करेक्ट इज रैबिट, RABBIT, रैबिट। नाउ एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग, सही मिलान मिलाओ। हेन एंड स्पैरो, मुर्गी और चिड़िया क्या है, किससे मिलाएंगे हम इसे? इसे हम मिलाएंगे ग्रेन ईटर से, क्योंकि वो क्या है, ग्रेन ईटर्स हैं। अ रैबिट डिग्स, रैबिट क्या बनाता है, क्या डिग करता है, क्या खोदता है? रैबिट डिग्स अ बोरो। एनिमल्स टू नीड, एनिमल्स को क्या चाहिए, फूड एंड शेल्टर टू लिव। अ मंकी लिव्स, मंकी कहाँ रहता है, लिव्स ऑन अ ट्री।
अ स्पाइडर ट्रैप, स्पाइडर किसे पकड़ता है? स्मॉल इंसेक्ट इन इट्स वेब. नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर. एक बार आप फिर अच्छे से अपना चैप्टर पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर आप खुद लिखेंगे. आई होप यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो जल्दी से अपना चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करिए और आंसर्स के क्वेश्चन दीजिए. सो माय डियर किड्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.